गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एसएसटी चैप्टर 23 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर का पार्ट सेकंड, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। जो हमारे गांव, राज्य, जिला में सहभागिता और उत्तरदायित्व होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। द सेम मशीन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इन द स्टेट द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट हु हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the chief minister, which is turn is responsible to the state assembly whose members are elected by the people. In district, the chairman of a nagar nigam called mayor or mahapaur is responsible to the municipal committee, the member of which are elected by the people. In village, the member of the gram sabha are elected by the people डायरेक्टली। तो सहभागिता व उत्तरदायित्व की पूर्व निर्दिष्ट विधि सरकार के सभी स्तर पर होती है। राज्य में राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसे मंत्री परिषद या जिला प्रमुख मुख्यमंत्री भी कहते हैं। उसकी सलाह से ही सब कार्य होते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके सदस्य लोगों द्वारा चयनित होते हैं। जिले में नगर निगम का अध्यक्ष मेयर, आपने सुना होगा हमारे शहर के मेयर होते हैं, जिनको हिंदी में महापौर भी कह देते हैं, नगर निगम के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम में ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट होता है रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो विवाद का जो समाधान है वो कैसे करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शन एट द सेंटर, इन द स्टेट, इन द डिस्ट्रिक्ट एंड इन द विलेज। एज सच इट इज अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज नो परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स। सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज इन इट्स फंक्शनिंग। तो भारत जो सरकार है हमारी, भारत सरकार केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर कार्य करती है। यह एक विशाल संगठन है जिसे विभिन्न स्तरों पर बहुत से कार्यों को संपन्न करना पड़ता है, इसलिए इनके कार्यों में कुछ विवाद या विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ये विवाद संसद के दोनों सदनों, लोकसभा व राज्यसभा, केंद्र व राज्य या राज्यों, दो राज्यों या राज्यों के मध्य सरकार व नागरिक या नागरिकों के मध्य हो सकते हैं। इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए एक ऐसी क्रियाविधि का निर्माण किया जाता है जिसके द्वारा इन विवादों का हल किया जा सके। संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद को संसद के संयुक्त सत्र में हल किया जाता है। केंद्रीय राज्य या राज्यों के मध्य उठे विवादों को आपसी, जो उनके बीच बातचीत करके, यानी कि इसे वार्तालाप के थ्रू हम एक दूसरे के मतभेद को दूर कर सकते हैं। मान लो किसी को भी, किसी से कोई शिकायत है, अगर जब तक हम बताएंगे नहीं, अपनी बात को रखेंगे नहीं, तो मतभेद हमारे बढ़ते ही रहेंगे। The conflicts between the two houses of parliament are resolved at the joint session of the parliament. The conflicts between center and state and between among states are resolved by mutual talks, and the assistance of the Supreme Court of High Court can be taken. The conflicts between government and citizen and between among citizen are resolved by the Court of Law. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फ्लिक्ट्स अवर इक्विलिटी एंड जस्टिस। समानता और न्याय का जो संरक्षण होता है वो इसमें होता है। इक्विलिटी एंड जस्टिस आर टू एसेंशियल्स विच इज सिविलाइज्ड सोसाइटी मस्ट पॉसेस इन द प्रेडेंस इंडिया सच क्लासेस एग्जिटेड बाय विच वर कंसिडर्ड अनइक्वल।
the problem of untouchability existed at a large scale and the people of these castes were done injustice, so it was necessary to give them an equal status and do justice to them. This was the reason that the preamble to the Constitution of India declares its objective as justice, the equality. It aims to give a social, political and economic justice to all people and give them equality of status and opportunity. Social justice was ensured to them as all people have been made equal before the law. No discrimination is practiced against them on any ground like religion, caste, reason, language, race, sex, etc. तो जो समानता और न्याय का जो संरक्षण होता है हमारा, उसकी दो आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें एक होना एक सभ्य समाज का आवश्यक है। आजादी से भी पहले हमारे देश में ऐसे वर्ग थे जिन्हें असमान समझा जाता था। अस्पृश्यता की समस्या बड़े पैमाने पर होती थी, कुछ जातियों के लोगों के साथ अन्याय किए जाते थे, इसलिए उन्हें समान स्तर देना व उनके साथ न्याय करना बहुत आवश्यक था। यही कारण है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने विषय परक की घोषणा न्याय व समानता के रूप में करती है। इसका जो लक्ष्य होता है वो सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देना और समान स्तर पर अवसर प्रदान करना होता है। अब सभी लोगों को कानून के सामने एक समक्ष उनके प्रकट करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी आधार पर, जैसे हमारे किसी भी रिलीजन पर हो जाता है, कास्ट हो जाती है, हमारी एरिया हो जाता है, हमारी लैंग्वेज, हमारे लिंग, इन सब के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब जितने भी हमारे व्यस्क लोग हैं, Political justice has been ensured by giving every adult citizen to right to vote. Every citizen has a single vote. A citizen hold a single citizenship of India. It means that a citizen of India can settle and do business in any part of India. तो जो आर्थिक न्याय प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार देकर के राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक के पास एक मत होता है। सभी नागरिक भारत की समान नागरिकता धारण करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि भारत के नागरिक भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं तथा व्यवसाय कर सकते हैं। आर्थिक न्याय थोड़े से प्रयास द्वारा ही नहीं दिया सकता, इसे समय की आवश्यकता थी। इसलिए आरक्षण के प्रावधानों को अनुसूचित जाति, जिसे SC कह देते हैं, अनुसूचित जनजाति ST कह देते हैं, कि लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर जाती हैं। और बाद में क्या होता है, इन आरक्षण में अन्य पिछड़े वर्ग जिनको हम कहते हैं OBC, आपको अच्छे से समझना चाहिए, SC ST और OBC के लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जब अधिकार मिलते हैं तो उसमें कोई कास्ट का, धर्म का नहीं चलता है। इट मे बी pertinent to note that the reservation were provided in the Constitution of India for a period of 10 years, but this provision has been extended time and again. The people who have been benefited from the reservation have not been excluded from the list. As a result, these benefited people have become powerful and enjoy all benefits mostly at the cost of people who remain deprived even today. तो ये एक चर्चा का विषय है, हो सकता है कि भारत के संविधान में ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिए गए थे, किंतु इस प्रावधान की समय अवधि दोबारा से बढ़ा दी गई और वे लोग जो इस आरक्षण से लाभ पा चुके थे उन्हें अभी भी इस सूची से हटाया नहीं गया है। इसके परिणाम स्वरूप वे लोग जिन्हें इनसे लाभ मिल चुका है और भी अधिक लाभ उठा रहे हैं तथा शक्तिशाली बन गए हैं, और कुछ लोग आज भी उसमें पीछे पिछड़े हुए हैं। तो अ सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन इज दैट मेरिट और इज ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन अ पोस्ट नीडेड
expect is filled by a less proficient person, the development and progress of a country is seriously compromised. So all deprived people, whatever belonging to high caste or low caste, should be given maximum educational facilities as per their aptitude and aptitude. तो आरक्षण की एक भारी हानि यह भी है कि इसमें योग्यता के साथ समझौता किया जाता है। अब जब किसी पद में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है तो वह कम योग्य व्यक्ति द्वारा भर दिया जाता है और देश की प्रगति और विकास के साथ गंभीर समझौता किया जाता है। इसलिए सभी पिछड़े लोगों को, चाहे वे उच्च जाति से हों या निम्न जाति से हों, को योग्यता व मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, ताकि वे अपनी रुचि के क्षेत्र में योग्यता प्राप्त कर सकें। और पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सभी स्तर को एक समान, एक मत, एक नागरिकता, एक तथा कानून के समक्ष समानता के प्रावधानों को निश्चित किया गया है, तो सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए। ऑफ द स्टेटस इज मेंटेन्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप एंड इक्वलिटी बिफोर द ऑर्डर टू गिव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल डिस्क्रिमिनेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर टू एनी पोस्ट और एडमिशन टू एनी institution on ground of religion, reason, etc. However, reservation have been for cities, certain classes of people in order to uplift his society. तो सभी नागरिकों की समानता के लिए किसी भी पद या शैक्षिक संस्थान में धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ निश्चित वर्गों के लोगों को समाज में ऊपर उठाने के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका यह चैप्टर यहीं एंड होता है। इसके नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 23 के नोट सेंड किए जाएंगे। सभी को अपने नोटबुक में सुंदर सा वर्क करना है। तब तक के लिए आपको चैप्टर को रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन।